आप सबका स्वागत है, आप सबको वेलकम। आज हम वो चीज पढ़ेंगे जो हम पहले अभी बचपन में पढ़ा था। मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन में दिख रहा है ना? मेरा डिजिटल बोर्ड सबको दिख रही है ना? आज हम ऐसा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस सबके आए हुए हैं। हमारा तो लगभग कंप्लीट की तरह है सारा चीजें, और जल्दी हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। आप लोगों का साथ काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा रहा। और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके हम डिटेल भी क्वेश्चन समझेंगे और इसका शॉर्ट कट भी करेंगे। एक दो चीज बची हुई है। एक क्वेश्चन है, एक टंकी है, उसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ, रीड करता हूँ मेरे क्वेश्चंस को जो आया हुआ है, और जिस तरह के क्वेश्चंस फिर आपको मैं समझाता हूँ। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स व्हाइल बी अलोन, मतलब अकेला बी जो है वो उसको 30 आवर्स में उसको भर सकता है। और एक दो नल है, एक टैप यानी एक पाइप जो है एक टैंक को 20 घंटे में वो भर सकता है, जबकि एक दूसरा पाइप है बी, वो उसको 30 आवर्स में मतलब 30 घंटे में भर सकता है। और सी जो है, ये दोनों पाइप मतलब भरने वाला के लिए है टंकी के, और सी एक ऐसा नल है जिसको खाली करने के लिए होता है, मतलब टंकी में नल लगाओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नीरज जी, हो रही है स्क्रीन शो। तो क्वेश्चन क्या है, एक नल है जो 20 आवर्स में क्या करता है, भरता है, और बी नल, बी आपका जो पाइप है वो 30 आवर्स में क्या करता है, किसी टंकी को भरता है, और सी जो है वो 40 आवर्स में खाली कर देता है, मतलब खाली करता है। ये भरता है, ये भी आपका भरता है, फिल करता है मतलब, और सी आपका 40 आवर्स में आपका खाली करता है। अगर ये सारे पाइप को अगर एक साथ अगर खोल दी जाए, मतलब भरने वाला भी खाली करने वाला भी, तो कितने टाइम में ये टंकी भर भर जाएगी, जबकि भर भी रहा है खाली भी हो रहा है। तीन पाइप है ए बी सी, ये दोनों पाइप भर रहा है ए और बी, और सी खाली कर रहा है। हमने तीनों को एक साथ हमने खोल दिया है, तो क्या होगा, पानी भरेगा भी, पानी खाली भी होगा, तो ज्यादा भरेगा कम खाली होगा। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में टंकी पर भर भर जाएगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा? आप लोग कोशिश करें एक बार, एक दो मिनट का समय लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको। एक होती है रेगुलर मेथड, एक होती है डायरेक्ट मेथड। कोशिश करें। मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 17 1 से 1.7 घंटे में। दूसरा ऑप्शन है 33/2 आवर में। तीसरा ऑप्शन है 29 से 1.5 घंटे में। और चौथा ऑप्शन है 17 से 1.9 घंटे में। आप बताएं किस ऑप्शन के साथ जाओगे? 1-2-3 को नरिश करो, कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, क्या है क्या नहीं।
आप फिर से बताएं, आपका आवाज नहीं आती, लेकिन आप मैसेज करें, मैं समझ जाऊंगा। तीन पाइप है, एक टंकी में मैं आपको डायग्राम बना दिया, ये आपका ऐसे डायग्राम है, इसमें दो पाइप ऐसे है जो पानी भरता है, दो पाइप पानी भरने के लिए है, और एक पाइप लगा है जो पानी निकलता है इससे, मतलब खाली करता है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए जो है, अगर अकेला आप एक को खाली खोल देते हो, बाकी दोनों बंद करते हो, तो 20 घंटे में पूरा भर देता है। और बी को खाली अगर मतलब ऑन करते हो, मैं चालू करते हो, बाकी दोनों बंद करते हो, तो 30 घंटे में भरता है। और क्योंकि सी से पानी निकल रही है, दोनों को बंद करके अगर खाली सी खोल दोगे आप, तो 40 घंटे में 40 घंटे में वो पूरा खाली कर देगा। कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं, नल हमारा खुला रहता है, टंकी को टुकड़े टुकड़े खाली हो जाती है, ये खाली करता है सी। और ए अकेला जो है 20 घंटे में टंकी को भरता है। तीन नल है, तीन मतलब पाइप या नल या टैप जो भी बोलता। और बी भी क्या है, पानी भर रहा है इसमें। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। आपने क्या किया कि तीनों तीनों ही नल को एक साथ खोल दिया, तो कितने टाइम में टंकी भर जाएगा? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर ना हो? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये करना कैसे इसको? कोशिश करें। कोशिश बहुत जरूरी होता है। आप जब नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊं। नीरज जी, आप किसी को वो मत करिए, कमेंट मत करिए, सबको आप कर दीजिए, आप ना करिए। क्लास में बोलते कमेंट ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। सिंपल से है, अगर हम एक घंटे में दोनों पाइप को अगर हम खोल देते हैं, तो नेट पार्ट फील्ड इन वन आवर, बीस घंटे में अगर एक टंकी भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/20 टंकी, 1/20 भरेगा। जैसे अगर चार घंटे में अगर एक टंकी भरता है, तो एक घंटे में कितना कितना पार्ट भरेगा? 1/4 पार्ट भरेगा। तो एक घंटे में अगर हमने ए और बी को हमें खोल दिया हमने, तो कितना होगा एक घंटे में? 20 घंटे में ए पूरा भरता है, तो एक घंटे में कितना होगा? 1/20 पार्ट भरेगा। ऐसे 30 आवर्स में बी पूरा भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/30 पार्ट भरेगा। तो कितना होगा इसका एलसीएम लगेगा, कितना आ जाएगा इसका? 60 आएगा एलसीएम, 2+3 हो जाएगा। ये इसे क्या आ जाएगा हमारा? 5/60 यानी 1/12। तो अगर हम एक घंटे में दोनों पाइप को अगर खोल देंगे, ए और बी को, जो पानी भर रहा था इन दोनों को, ए को और बी को, तो कितना भर रहा है टंकी का? 1/12 पार्ट भर रहा है। इतना सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो? तो
तो फिर अगर दोनों को अगर जैसे हम बोले कि अगर एक घंटे में अगर 1/4 पार्ट भरेगा तब क्या बोलोगे, 4 घंटे में पूरा भर जाएगा, ऐसे बोलोगे ना। जैसे अगर आप एक घंटे में अगर आधा पार्ट भरता है किसी टंकी का तब क्या बोलोगे, 2 घंटे में पूरा भर जाएगा, उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, 2 मतलब 2/1 कर देंगे उसको। तो सेम तरह से अगर 1/12 अगर पार्ट भरता है एक घंटे में तो खाली ए और बी अगर हम चालू कर देंगे तो कितना भरेगा, सो ए एंड बी पाइप विल फिल टुगेदर इन 12th आवर। क्वेश्चन अगर कभी आपको इतना पूछता है कि ए और बी कितने टाइम में भरेंगे तो आपके यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सी भी है तो सी क्या कर रहा है आपका 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो जब हम एक साथ हमने ए बी और सी तीनों का हमने खोल दिया हमने, तो एक घंटे में ए और बी कितना आपका भर रहा है 1/12 और सी कितना खाली कर रहा है 1/40 क्योंकि 40 घंटे में पूरा खाली कर देता है। तो इसका होगा जब ए बी तथा सी तीनों पाइप ओपन हो मतलब खोल दिया जाए। इसको हम यहां तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 10-3 हो जाएगा, यानी कितना होगा ये 7/120। तो 7/120 आवर अगर आप तीनों को खोल देते हो एक साथ ए बी और सी को, तो ए और बी तो आपका 1/12 फिल करेगा भरेगा और सी क्या करेगा 1/40 खाली करेगा। तो भरने और खाली करने को माइनस कर देंगे तो 7/120 भाग जो है एक घंटे में भरेगा, भाग टंकी का 1 आवर में भरेगा। सो पूरा कितना होगा, पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। जैसे बोला था ना भैया कि अगर आधा भाग अगर एक घंटे में भरता है तो पूरा भाग क्या करेंगे हम 2/1 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर हम बोले कि 1/4 भाग अगर एक घंटे में भरेगा तो पूरा कितना आएगा 4/1 कर देंगे, मतलब 4 घंटे में पूरा भर जाएगा। सो कितने घंटे में पूरा भरेंगे, तीनों टंकी एक साथ खोल देने पर इसको उल्टा कर देंगे 120/7 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/1/7 घंटे में आवर में भर जाएगा। डिटेल में तो सबको समझ में आ गया, सर उल्टा क्यों किया इसको? अभी मैंने समझाया था आपको कि अगर एक टंकी है मान लीजिए उसको अगर आप आधा एक घंटे में अगर आधा भरता है टंकी का मान लीजिए तो पूरा कितने घंटे में भरेगा, 1/2 पार्ट अगर एक घंटे में भरता है, एक घंटे में फिल होता है तो पूरा कितना टाइम लगेगा आप बताओ, आधा अगर एक घंटे में 2 घंटे में आपने क्या किया 2/1 कर दिया ना। अगर 1/4 अगर भरता है एक घंटे में तो पूरा घंटे में कितना टाइम लगेगा, फिर बोलो 4 घंटे आपने क्या किया 4/1 कर दिया ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। अगर 1/8 भाग भरेगा एक घंटे में 1/8 भाग तो 8 घंटे में पूरा भर जाएगा, इसलिए क्लियर हुआ आपको? जी हो गया। अब हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इतने लंबे चौड़े काम करें एग्जाम में,
बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इतने सारे लिखो, इतने सारे तैयार करो। इसके लिए डेढ़ फॉर्मूला होती है कि अगर एक्स आवर्स में एक्स वाई आवर्स में घंटे में अगर भरता है में भरता है, मान लीजिए कोई टंकी को भरता है एक्स घंटे में और वाई घंटे में, एक्स में भरता है तथा जेड घंटे में मान लीजिए खाली करता है, कोई नल है जो जेड घंटे में क्या करता है खाली करता है। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर फॉर्मूला नेट पार्ट इन वन आवर इक्वल टू फॉर्मूला होती है वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई, जो जो भर रहा है उसको प्लस कर दो, जो खाली करो उसको वन में माइनस कर दो। इसमें अगर अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई थर्टी माइनस वन बाई फोर्टी, बीच का सिर्फ गायब हो जाती है, लास्ट में आ जाती है आपका। इसको सॉल्व करोगे तो सेवन बाई वन ट्वेंटी आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप बहुत इजीली आसानी से कर सकते। और एक इतना भी अगर नहीं करना चाहो तो एक वेरी शॉर्टकट मेथड होती है, ऐसे अगर आप नहीं लाना चाहते हो तो वेरी वेरी शॉर्टकट जितना हम किए हैं, हम शायद ये हम मैं इस हफ्ते बाद में इस हफ्ते में क्लास एंड कर दूंगा हो सकता है। हमने जितना किया है उतने में आपका 100 नंबर के पेपर में से करीब 30-35 नंबर आपका कवर अप हो जाती है। आप इसको जरूर करना। डायरेक्ट मेथड क्या होती है आपका, जैसे इसी को लेंगे हम, हमने एक्स वाई जेड लिया था, हमने एक्स घंटे में मान लीजिए आपका भरता है, वाई घंटे में भरता है और जेड घंटे में खाली करता है। ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं आपके, देखो 2 मिनट, 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या करोगे आप, एक्स वाई जेड करोगे, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बस इसको अप्लाई करोगे। ना तो आपको कहीं पे कैल्सियम लेना पड़ेगा, ना आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अप्लाई करो कितना आएगा, 20 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40 एक्स वाई की जगह पे प्लस 20 इंटू 40 माइनस 20 इंटू 30 सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली 120 बाई 7। ज्यादा आपके एलसीएम लेना पड़ेगा तो उसके आपका ज्यादा सोचने पड़ेगा। सर नीचे एक्स वाई जेड को 20 इनटू 30 करेंगे, हाँ एक्स वाई जेड ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह पे आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। सर ये जो नीचे आपने 30 इनटू 40 कर रखा है यार 20 इनटू 30 करेंगे, इसमें हमने एक्स वाई जेड ले लिया, जेड आप उसको ले लो, इसको अगर आप आगे पीछे करते, मैंने एक्चुअली इसको पहले लिख दिया था, वाई जेड को पहले लिख दिया, एक्स वाई का बात लिख दिया, उसका आगे पीछे करते क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है आपका, आप इसका ऐसा भी कर सकते हो, इस जगह पे इस तरह से कर सकते हो इसको कि 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 40 सर जेड एक्स गलत लिखा है क्या, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स, ऐसा कुछ कैलकुलेशन गलती है, मैं चेक करता हूँ। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो x = 20 कर दो,
y इज इक्वल टू आप 30 कर दो और z इज इक्वल टू 40 कर दो। हां कुछ कैलकुलेशन कुछ गलती हुई है। इज इक्वल टू 20 × 30 × 40 / x / y यानी 20 × 30 + y × z यानी 30 × 40। ये आता कहां से आपको दिखा देता हूं कि इसका ट्रिक्स आपको भूल जाता है उसको निकाल सकते हो। 1/x + 1/y - 1/z इसी एलसीएम ले लो आ जाएगा इससे एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा आपका। ऊपर क्या हो जाएगा आपका y z + z x - x y in one hour। और अगर पूरे का निकालने हैं तो टोटल टाइम इसको उल्टा कर देना है। टोटल टाइम इसे कहते क्या हो जाएगा x y z / y z + z x - x y। तो अगर आप ये अगर आप याद करना चाहते हैं अगर समझना चाहते हैं वैसे कर सकते हो वरना आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दो आपका आंसर भी आ जाएगा 20 × 30 × 40 / मल्टीप्लाई करो कितना होगा ये आपका 600 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। सर ZX - ZX - 40 × 20 होगा ना सर आपने जो फॉर्मूला वैसे निकाला उसमें प्लस जेड एक्स था इसमें फॉर्मूले में देखो ना क्या है इसमें देखो 1/x / 1/y / 1/z हमने कैल्सियम लिया कितना निकला एक्स वाई जेड कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा yz + zx - xy आ जाएगा। ये एक घंटे के लिए था सर लेकिन आपने यहाँ माइनस एक्स वाई है ना जो आपने फॉर्मूला लिखा उसमें माइनस जेड एक्स लिखा तो दोनों सेम नहीं है xy आ गया इसमें x = y + 1/z - 1/x + y / xy + 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 xy
30, जेड इज इक्वल टू 40। हाँ इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई वाई इंटू जेड। तो वाई मतलब 30 इंटू 40 प्लस जेड इंटू एक्स, 40 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू वाई, 20 इंटू 30। आप कैलकुलेटर पर देखो कितना आता है, 24 into 30 divided by 1200 minus 600 से कैलकुलेट कर लो 24 into 1000 के लिए डिवाइडेड बाय 1400। आपका 14 घंटे का 7 हो जाएगा 120 बटे 7 एक क्वेश्चन में दे रहा आपको करने के लिए। सीरीज कंपटीशन में आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या है इसमें अल्फाबेट के साथ आपको आपके नंबर दे सकते हैं 7B 5C
सिक्स बी और थ्री सी, नाइन बी और नाइनटीन ए, फिफ्टीन ए, सेवेंटीन ए और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास 10 सी, दूसरा ऑप्शन है 12 सी, तीसरा ऑप्शन है 14 बी, चौथा ऑप्शन है 16 सी। बताओ कौन सा है? ए बी सी डी में आपको भी टाइप करो, मैं इसके आंसर समझ जाऊंगा, फिर मैं बताता हूँ कितने अच्छे क्वेश्चन है आपको आया हुआ था नंबर और अल्फाबेट दोनों के साथ। ऐसा करिए आप तो, कोशिश करिए आएंगे आप तो, सब बहुत अच्छे करते हो। मैंने बोला था ना कि आप लोग इजी क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, थोड़ी सी एडवांस जो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ताकि आपको आ जाए। कोशिश करो, अपने से बहुत लोग मैथ्स के बहुत अच्छे से जानकार हो चाहिए। आप बताए एबीसीडी बताए कौन, रानी जी ये बता रहे हैं, विभा जी बताए, बाकी लोग कोशिश करें, बहुत आसान है। मैं बोलूंगा तो आप लोग सोचेंगे अरे इतने आसान था, कोशिश करो अपने आप से, थोड़ा सोचो। बहुत आसान है, रानी जी आप बता आप, आपने यही कैसे पाए सर? इसमें मैंने देखा कि बी वाला जो है कॉलम, इसमें बी वाले में सिक्स बी है, उसके बाद में फिर सेवन बी है, फिर नाइन बी है। okay. तो इसमें है ना केवल एक ही का डिस्टेंस है, सिक्स के बाद सेवन दे दिया है, इस हिसाब से मैंने किया कि थ्री के बाद फाइव दे दिया है, मतलब इसमें इन्होंने टू का डिस्टेंस किया है, फिर इसके बाद मैंने कहा कि इन्होंने फिर फाइव का डिस्टेंस दे दिया होगा, इसलिए सर। नहीं आंसर आपने कोशिश किया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कोशिश किया। आप लोग कोशिश करो, गलत करो सही करो दूसरी बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने कोशिश किया, लेकिन ये आंसर अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं है, लेकिन जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि इतने आसान आंसर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आंसर है इसका। चलो पहला लॉजिक और किसी को बताना है इसमें, हम लोग बता नहीं रहे हो, बी स्वाति जी बी बोल रहे हो, ठीक है
मैं बताऊंगा फिर आपने सोचे कि इतनी आसान था, एक बार सोच लिया तो कितना अच्छा। क्या देखते हो, बी बता रहे हो कि बी का जो, अच्छा बी का तो चलो ठीक है, आप क्या देखते हो डायगोनल पे, ऐड करो नंबर को, अगर ऐड कर दो क्या आएगा, जो दो छोटे नंबर ऐड करो 9+6 क्या 15 आ गया आपका, फिर आप बाएं तरफ पे देखो डायगोनल पे क्या आएगा, इसको ऐड करो कितना आएगा आपका 16। और सब में आपका क्या है, एबीसी तीनों है, इसमें क्या है बी तो है ही है, ए तो है ही है, सी नहीं है, तो क्या का ऑप्शन डी सही हो रहा है। वैसे मैंने आपसे पूछा तो नहीं था कि आपने क्या सर, ऐसे थोड़ी हम भी मैंने डायगोनल लगा दिया सर, सारे लोग सर मैंने ऐसे ही निकाला था, पर मैं श्योर नहीं थी, तुक्का डायगोनल ही निकाला था, लेकिन लेकिन आपको शेयर करते तो अच्छा होता है, उनका तो कोई फिर वो नहीं बनेगा। पहला ये कि सबने देखिए एबीसी भर रहा है ना, इसमें ये लॉजिक है पूरा एबीसी भर रहा है इसमें, और इसमें खाली एबीसी भर रहा है, तो यही है कि अगर आप बाकी सब जैसा में जाओगे तो हमेशा जरूरी है कि हर सर, ये तो आपने हमें कभी नहीं बताया कि डायगोनल भी वो देख सकते हैं, भैया 12C भी तो है, यहाँ पे रो कॉलम या किसी और तरीके से हो सकता है, पता है आपको, अभी आप रो कॉलम पर हो ना, ऐसा हो सकता है किसी नंबर का दुगुना करके कुछ ऐड कर देना, ऐसा भी हो सकता है, तो मैट्रिसेस का फॉर्म भी जाता है, ये डायगोनल भी हो सकता है, अगर रो कॉलम से नहीं आता तो आप डायगोनल से चेक करो। चलो मैं इस बात पे आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको करने के लिए, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे तो बहुत कुछ नहीं बताया, मैंने असल में भेजा पे कितना किया बोलो, सब कुछ दिया हुआ है, सब तरह के क्वेश्चन इसमें डाला है, मैं देख रहा था कि किसने कितने लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने 24 घंटे का छूट दिया है ना, कि आप कभी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अपने टाइम से मैं रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप मैसेज कभी कर सकते हो, कितने लोगों ने किया, इतना फैसिलिटी देकर रखा था कि आप कुछ भी ना आए, कभी भी ना आए, आप बोलो हाँ तुरंत आपको रिप्लाई शायद ना मिले, क्योंकि मेरा बहुत सारे क्लासेस वगैरह रहती है, मैं थोड़ा सा जाता हूँ, लेकिन मैं जरूर दूंगा आपको, आपको सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करके दूंगा जरूर, मैं रिप्लाई में जरूर दूंगा। आप लोगों ने कितना दिया, और जिन लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने दिया, उनको मैंने पूरा एक्सेस ले लिया, आप लोग पूरा फ्री हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, डायगोनल जाओ, कॉलम में जाओ, रो में जाओ, कुछ भी करो, बस आंसर निकालो, नेट भी यही बोलता है, जिसने कुछ नहीं बोलेगा आपको, कुछ भी करो, बस आंसर निकालो। पहला आंसर क्या है आपका, 10C है, दूसरा आंसर क्या ऑप्शन क्या है आपका, 12C है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, 13C है, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, 7C है। अब मुझे बताया कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच चुके हो या पहुंच जाओगे। ये तो एकदम आसान था सर। जी इसमें फर्स्ट और थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करके बीच में का ये नंबर मिलता है, इसीलिए 5 2 10 और सी बाकी है, इसीलिए सी। बहुत बढ़िया, ऐसा तो कोई नहीं जिनको, जिन जो इसमें असहमत होंगे, असहमत अलग कुछ बोले, कभी असहमत अलग ही हम ढूंढते हैं,
सर इसमें ए बी सी का तो कुछ कनेक्शन था नहीं, सब में तो तीनों है नहीं, टेन सी था इसलिए टेन के साथ सी लगा दिया, अगर बी होता तो फिर कंफ्यूज हो जाते। सर किसी में भी तीनों तो नहीं है ना, दो दो है लेकिन ऐसा कनेक्शन इसमें नहीं था। ठीक है, दो दो था लेकिन आपने क्या देखा इसमें, दो बार सी आया है ये अगर इसमें आप ये बता रहे सी का क्या मतलब, सब जगह पे सी नहीं है ये बोल रहे हो ना? जी सर मैं ये कह रही हूँ जैसे ये लाइन में ना एक ए और दो सी है, ऐसा नहीं है पिछले वाले में तो ए बी सी तीनों थे, ऐसा कनेक्शन नहीं है। रो वन रो टू सब जगह पे एक सी है कि नहीं है? ओके 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 सर ठीक है, रो में ठीक है, थैंक यू। यही आपको देखना है कि अगर कॉलम में नहीं है तो आप इसको रो में चेक करो, डायगोनल में चेक करो, बहुत सी जगह पे आ सकता है। रीजनिंग यही होता है, उनसे कोई मतलब नहीं है कि किसी खाने में आप कुछ नंबर तो भरे, ये होता है कि आप कितनी ज्यादा आपका ब्रेन को आप यूज करते हो। थैंक यू सो मच, हमें आपको एक और क्वेश्चन और देता है और इसके आंसर मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग से ही निकल जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलने का प्रकार होता है। ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कितना इंटरेस्ट लेते हो ना, देखिए जैसे ही कोई मैथमेटिकल ऐसे कुछ आता है तो अरे कहां से आ गया, जैसे ही कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए ऐसे होना भी चाहिए कि रीजनिंग से आपका मेन ब्रेन बहुत अच्छा होता है, ना कोई मैथमेटिक्स ना कोई कैलकुलेशन, खाली दिमाग लगाओ, दिमाग के दही बनाओ। आप करोगे इसको Z, इसके आंसर में बोलूंगा नहीं, Z4 V है ये, U नहीं। आपके पास ऑप्शन है E10, B है E12 और C है S10, D है। क्वेश्चन जिन्होंने जो सेट किया था वो बहुत आसान, बहुत काइंड हार्टेड रहे होंगे कि बच्चों को ज्यादा ट्रबल नहीं है, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने सेट किया। सर इसमें हम अगर हम नंबर्स को ना देखे अल्फाबेटिकली सॉल्व करें तो भी हो जाएगा क्या? आइए आप सोचो, अगर मैं सारा कुछ बता दूंगा तो फिर आपको फिर अपना लॉजिक कहां से आएगा?
गरिमा जी ई 12 आ गया स्वाति जी ए बता रहे हो ए मतलब ई 10 के रानी जी ए 10 बता रहे हो सर ये ए 6 है ए के बाद में सी है बी छूटा हुआ है फिर डी है बी छूटा हुआ है उसके बाद में ई 10 ऐसे लॉजिक लगाया मैंने गरिमा जी आप बताएं कैसे पाया आपने सर मेरे से पूछ रहे हो गरिमा आप जी हेलो गरिमा जिन्होंने ई 12 दिया आंसर गरिमा रावत सर नहीं मेरे पास अच्छा गरिमा ठीक है हेलो हाँ जी सर ये मैं फोन यूज कर रहा हूँ गरिमा जी का एक्चुअली मैंने लॉजिक ऐसे लगाया सर इसमें जैसे ए 6 ये वी 9 है 9 ये मतलब एक 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 के बाद आ रहा है सी बी सी सी के बाद आ रहा है डी और ई ई तो ये आ रहा है 6 × 2 तो सी 12 और यहाँ अगर हम ऊपर वाली इसमें करते हैं रो में सर तो 9 के बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है 12 वो रो नहीं हुआ ना फिर कॉलम हो गया ना रो कैसे आएगा आप कौन से रो बोल रहे हो R1 का R2 रो 1 के रो 2 मैं दिखा देता आपको इसका बोलेंगे R1 मतलब रो 1 ये बोलेंगे R2 मतलब रो 2 ये बोलेंगे R3 मतलब रो 3 और ये ऊपर जाएंगे तक बोलेंगे कॉलम 1 C1 इसको बोलेंगे कॉलम 2 तो C2 कहते हैं इसको सर हां बताइए R1 में अगर हम लेते हैं R1 R2 R3 में तो 9 के बाद आ रहा है 3 प्लस करके 12 हो रहा है और 12 में 3 प्लस करते हैं तो 15 होता है तो अगर हम यहाँ पे ए और सी में लेते हैं तो यहाँ पे ए अल्फाबेट में ए के बाद बी सी आ रहा है 2 का गैप है और सी के बाद अगर हम 2 करते हैं तो डी और ई आता है ई 12 बन रहा है सर ये लॉजिक लगा के करिए सर कोई इनके लॉजिक से लोग सहमत हैं आप लोग कोई विरोध हो या समझ में ना आया हो या क्वेश्चन इनका लॉजिक हमको सही नहीं लगा लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ऐसा कुछ भी हो तो आप मतलब इसके अगर असहमत है बताएं कोई नहीं सर मैं भी सहमत हूँ मैंने भी ऐसा लॉजिक लगाया था 6 × 2 = 12 करके तो ई 12 हो जाएगा इसका ऐसा मैंने भी लॉजिक लगाया था कोई अगर असहमत है आप देखो क्या है मैंने आपको नंबरिंग का ऑर्डर बताया था ए जो की इसे याद करो ये सब आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में काफी काम आएगा ये 5 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा बताया था मैंने इसको तो जेड के बाद दो दो का गैप है एक्स क्या 24 नंबर पे आता है जेड 26 पे आता है और वी कितनी आती है आपका 22 में आती है अगर आपका जेड से आप याद करोगे तो टी यू वी तो दो दो का गैप है ए एक नंबर पे आएगा सी 3 नंबर पे आएगा तो 5 नंबर पे क्या आएगा ये आएगा तो ये दोनों का खत्म होगा पहले आप जब एग्जाम में अगर तुक्का भी मारते हो तो आधा लॉजिक आपको तुक्का में फायदा क्या करेगा कि आधा ऑप्शन तक पढ़ा देगा आपका ये दोनों का खत्म हो गया क्योंकि ई से स्टार्ट होगा अब रहा बचा 10 और 12 आप देखते हो गैप क्या देखो बीच के नंबर देखो 6 है 6 से 4 का जितना गैप है 6 से 5 को आपका सॉरी 5 और नंबर जो आपका है 6 में से आपका एक कम है इधर 2 ये -2 हो गया ये +1 हो गया इसका मतलब क्या हुआ 4, 5, 6 ये तीनों है जिनमें अब इसके का कितनी आपको 1, 1 है तो 9 और 15 है दोनों का गैप कितना होगा 6 हो जाएगा मतलब 15 - 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा अब अगर इसमें आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे तो 9 + 3 = 12 अगर 12 पुट करेंगे तो 12 से अगर 3 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा और 12 से अगर 3 प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा ए पे ही आएगा ई 12 ऑप्शन बी आपका सही है जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनके लिए बता रहा हूँ और जिन लोगों ने आप लोगों ने आंसर बताया थैंक यू आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग रीजनिंग में एकदम मास्टर होते जा रहे हैं क्योंकि रीजनिंग में जो जितना आपको कमांड आएगा बाकी सब चीजें आई जाएंगी रीजनिंग आपको लाइफ को पूरा चेंज कर देता है
आप लोग रीजनिंग करते रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि किससे क्लास खत्म होने के बाद ये भावनात्मक रूप से रहेगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रीजनिंग किया, आपने इतना अच्छा सा एक कुछ अचीव किया। और इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे, दो तीन चीज आपको ख्याल रखना, अगर आप सोचते हो कि आगे जाके कोई बिजनेस करके कुछ करोगे तो आपको ग्राफिकल वाला पार्ट जरूर अच्छे से करना है, क्योंकि ग्राफिकल वाला पार्ट का बहुत हेल्प करेगा अपने कमर्शियल डिसीजन लेने में। और इन जो जो रीजनिंग का पार्ट है ये आपको काफी हेल्प करेगा किसी भी डिसीजन में पहुंचने के लिए। यहाँ आपका है B3 C E 5 D F 15 E लिख लो इसको, मैं बोलूंगा नहीं मैं इसको, ये आपका अगर नहीं कर पाओगे तो होमवर्क में छोड़ दूंगा आपको, कल दिखाओगे मुझे करके। लेकिन सारा मैंने बहुत कुछ बता दिया, सारा कुछ मैं बताऊंगा नहीं इसका, आप अगर यहाँ कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिमाग लगाना। ऐसा तो लगा लोगे क्योंकि आप लोग बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मतलब अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं। पेपर शुरू करो तो आप लोग पेपर पूरा पेपर तो पूरा कर लेते हो। मैं कोई क्वेश्चन तो ठीक है उसमें आप लोग कभी फंस जाते हो, लेकिन जब पेपर देता हूँ तो एकदम बेचारा यूजीसी वाले रोते रहेंगे उनको पता चलेगा। तो अब इसका ऑप्शन है आपके पास है J L 24, ये बिल्कुल कोई प्लेन का नंबर नहीं है। I J 18 J K 18 J L 12 बताओ। शांति का समय हो रही है, आप लोग भी शांति कीजिए अच्छे से, शांति शांति आप इसको निकाल सकते हो, मुझे पता है आप लोग कोशिश करोगे निकल जाएगा। बहुत अच्छी बहुत इजी लॉजिक है, एक बार जब जिस समय सीता जी सीता माता के जब खोज होने के लिए सारे चार दिशा में राम जी के जो जितने दूर थे जब जा रहे थे, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे, सब पूछ रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा, तो चुपचाप बैठे हुए थे। तो जामावन ने बोला, अरे हनुमान तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है इतनी शक्ति है क्यों नहीं करते हो, तुम जाओ। तो वो बोला, अच्छा हाँ मेरे पास शक्ति है क्या, अरे हाँ बहुत शक्ति है। तो बोला वो अच्छा जय श्री राम, तब उसने इतना सारा पहाड़ उठा कर सब इतना सारा काम कर दिया। तो आप सब में उसे गुण है, राम जी के तरह आप हनुमान जी के तरह हो, आप सबने ये आंसर दे दिया। अरे बार कोई एक्सप्लेन भी कर दो भाई, भावना चौधरी किरण जय श्री राम जितिन जी नीरज जी जयश्री जी जयश्री जी आपको तो मैंने पहली बार देखा शायद, मतलब आपसे मैसेज कम करते हो, आप बताओ कैसे किया। जयश्री जी आप हमारे साथ हो, J L 24 अगर जयश्री जी हमारे साथ हो। जी सर मेरी नेटवर्क की बहुत इश्यू रहती है और मैथ्स तो बहुत ही आता ही नहीं है मुझे, यूनिवर्स भगवान ने जो पूरा यूनिवर्स की रचना किए हैं वो एक ही भाषा में किए, वो मैथ की भाषा में सब कुछ सब चीज कैलकुलेटेड, इतने डिस्टेंस पे इतने से किसको ऐसा रखा गया है, तो सबको मैथ आता है। आप बताओ अगर बिना मैथ आया अगर आपने इतना अच्छा आंसर लाया तो आपको तो मतलब कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन रियली आपने बहुत अच्छे से पढ़ा।
है, इसलिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं सर, नहीं तो अब तक तो बहुत ही ऐसे था कि हम बहुत डरते थे उससे। डरिए बिल्कुल मत, कभी मत डरिए, कभी मत आपने इतना अच्छा किया बिना मैथ्स के हुए तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है हम शांति बात करते हैं। सर्वे सर भैया भैया सर भैया सर राहुल भैया का मैसेज आया कि कल क्लास 3 बजे से होगी, 3 से 4 जो उपनिषद की होती है, 4 से 5 एनाटॉमी की, और उसके बाद 7:30 बजे से योग दर्शन, 8:30 बजे से आपकी क्लास, ये बताना था क्लास में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनसे उनको प्रणाम, आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबको शुभ। थैंक यू सर।